अभी हमारे साथ है बिहार विधान पार्षद और बिहार भाजपा पर मीडिया प्रभारी संजय मयूंख जी। संजय जी, 11 और 12 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन है भाजपा की, बिहार से कौन कौन आ रहे हैं? बिहार से हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी, प्रदेश के अध्यक्ष नित्यानंद राय जी, मंगल पांडे जी और तमाम हमारे जिला के लोकसभा प्रभारी, प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश के मीडिया प्रभारी प्रवक्ता और जिले में लोकसभा के मीडिया प्रभारी आईटी प्रभारी इस ऐतिहासिक अधिवेशन में आ रहे हैं। इस अधिवेशन में क्या क्या चर्चाएं होंगी? क्या 2019 की लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भी होगी कुछ बातचीत? देखिए, हम 2014 में चुनाव परिणाम के बाद से ही लगातार लोकसभा चुनाव और जनता से संपर्क में लगे थे। यह तो एक ऐतिहासिक अधिवेशन है जो फिर से एक बार 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मयूख जी, कल 10% आरक्षण वाला बिल राज्यसभा में भी पास हो गया, लेकिन RJD ने विरोध किया है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को जनता से मतलब नहीं है, हमको जनता से सीधा सरोकार है। हमने जनता से जो वायदे किए थे उन वायदे को हम पूरा कर रहे हैं। हम अपने सबका साथ सबका विकास के नारे को कार्य रूप दे रहे हैं। आज हाई कोर्ट ने लालू यादव की जो बेल वाली याचिका थी उसको खारिज कर दिया। देखिए, वो कोर्ट का मामला है और कोर्ट के निर्णय का हमेशा सबको सम्मान करना चाहिए। 2019 की लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि भाजपा के लिए बिहार जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिहार में जिस तरह से महागठबंधन एकीकृत हुए हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? महागठबंधन तो है नहीं, महालठबंधन है। कौन कौन लोग कब कब कहाँ कहाँ रहेंगे यह तो आने वाला दिन बताएगा। इसलिए हम बिहार के 400 सीट पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन चुनाव जीतेगी। लेकिन इस बार तो आप कम सीट पे चुनाव लड़ेंगे, क्या 17 सीट पर जगह चुनाव लड़ते हैं तो किनका किनका टिकट कटने वाला है? क्या अरेंज होगा JDU और BJP का? हम 40 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। लेकिन पिछले बार आप 22 सीटों पर जीत दर्ज किए थे, अभी आपका मौजूदा सांसद 22 है, लेकिन इस बार 2019 की लोकसभा चुनाव आप सिर्फ 17 सीटों पर ही लड़ेंगे। जो मौजूदा सांसद है उन सांसदों में से किनका टिकट कटेगा या JDU मर्ज हो जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 40 सीट पर चुनाव जीतेगी, 40 सीट पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का उम्मीदवार रहेगा और सबका साथ सबका विकास तो हम सभी पार्टियों को समान रूप से लेकर चलेंगे। इसमें राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे? निश्चित तौर पर शिरकत करेंगे, हमारे सभी वरिष्ठ नेता इसमें शिरकत कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी और तमाम नेतागण यहाँ रहेंगे। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, LiveCities.in के लिए।